कंडीशनल इक्वेशंस एंड आइडेंटिटी, हमने ये देखना है कि इन दोनों में क्या फर्क है। तो पहले कंडीशनल इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है जो किसी भी वैल्यू के इक्वल है, सच दैट अगर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करें तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इन्वॉल्व इन दैट इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस सिक्स। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो रूट्स हमारे पास आएंगे दैट विल बी 2 एंड माइनस 3। सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ एक्स दैट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो यही दो ऐसी वैल्यूज हैं कि जिसके लिए ये स्टेटमेंट, ये एक्सप्रेशन जो है ये ट्रू है। अगर हम इस इक्वेशन में 2 और माइनस 3 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। सो सच टाइप ऑफ इक्वेशंस दैट आर ट्रू ओनली फॉर सम नंबर्स, टिपिकल नंबर्स जो उसके रूट्स कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड कंडीशनल इक्वेशंस। नाउ व्हाट इज एन आइडेंटिटी? आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन है, ऐसी एक्सप्रेशन है कि जो हमेशा एक्स की या जो भी वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व है उसमें अगर आप कोई भी उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करें दैट विल बी ऑलवेज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ए प्लस बी होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स, दिस विल बी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स। नाउ इफ वी पुट एक्स इज इक्वल टू 1, दिस विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी होल मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। सिमिलरली, इफ ए प्लस बी होल मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 2a प्लस 2b। यानी कि हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो आवर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दे विल रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन सेम। सो सच टाइप ऑफ इक्वेशन दैट इज बींग सेटिस्फाइड इफ वी पुट एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी।